श्री विद्या नमः। मीन राशि वालों के लिए अब जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं तो 4 महीने तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। ये बृहस्पति का वक्री काल आपको किन चीज़ों में लाभ दिलाने वाला है, किन चीज़ों में सावधानी रखनी है, यही जानकारी आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। मित्रों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिव शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। देवगुरु बृहस्पति, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मीन राशि के द्वितीय भाव में बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और आपके 5 भाव को प्रभावित करेंगे। कौन से भावों को? आपकी सबसे पहले आपकी राशि को, आपकी राशि के जो भाव है, लगन जिसको बोलते हैं, फर्स्ट हाउस, उसको प्रभावित करेंगे, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो एक भाव पहले का फल करता है। द्वितीय भाव में बृहस्पति या धन भाव को प्रभावित करेंगे, स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, आपके लोन रिपु ऋण शत्रु को प्रभावित करेंगे, अष्टम भाव रिसर्च को प्रभावित करेंगे, आपके करियर को प्रभावित करेंगे। यहाँ तक ये बृहस्पति आपको प्रभावित करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये बृहस्पति क्या कराएंगे, इसी के बारे में विशेष रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देवगुरु जो बृहस्पति है, जिनको ज्ञान के कारक माने जाते हैं, नॉलेज के भी कारक माने जाते हैं, संतान के भी कारक माने जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति की द्वितीय भाव में वक्री अवस्था बनी हुई है। जब यहाँ पर बृहस्पति आपके शरीर को यानी कि आपके हेल्थ को भी प्रभावित करेंगे, तब यहाँ पर ये देखा जाता है, ऐसे में आपको दांत से जुड़े हुए, मुख से संबंधित कुछ रोग या कुछ समस्या हो सकती है। परंतु जो लोग कंपटीशन को, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि षष्टम भाव पर है, जो लोग कंपटीशन से जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या किसी विशेष रूप से खेलकूद में कंपटीशन कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए कंपटीशन में की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। कंपटीशन में काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और वहीं इसके अलावा जो सपोर्ट की भी आवश्यकता थी, कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट, एक अधूरापन दिखाई दे रहा था, वह फ्रेंडशिप को लेकर के है, लवरशिप को लेकर के है, तो वह भी अकेलापन दूर हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपको विशेष रूप से सपोर्ट दिलवा सकता है। स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, परस्पर फ्रेंडशिप के संबंध में बन सकते हैं। इसके अलावा अब जो बृहस्पति का जो प्रभाव है, वह आपके बड़े डिजायर्स को पूरा करने के लिए आप ही से मेहनत करवाएगा। आपके कुछ ऐसे बड़े डिजायर्स हैं जो आपने पिछले कुछ समय से सोच रखे हैं, उनके लिए आप बार बार प्रयास भी कर रहे हैं कार्य करने के लिए कि वे डिजायर्स कंप्लीट हों, पूरे हो जाएं, परंतु एक उसमें मुकाम आपको नहीं हासिल हो पा रहा है, तो वह अब बृहस्पति के इस वक्री काल में आपको हासिल हो सकता है। बड़े डिजायर्स पर आप वर्क करना तो कम से कम प्रारंभ कर देंगे, जो अब तक नहीं करा था, और काफ़ी हद तक आप पॉसिबिलिटी है कि आप अपने कार्य में सफल भी हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको बृहस्पति जब यहाँ पर बैठ करके अष्टम को और षष्टम दो भाव को देख रहे हैं, तो जो लोग फैटी हैं उनको फैटी फूड खाने से बचना चाहिए, और ऐसे खाने से बचना चाहिए जो कि तला भुना, चिकना है, मोटापा या फिर हाई बीपी आदि चीज़ें बढ़ा सकता हो, रिस्क फैक्टर शरीर के लिए जो ठीक ना हो। मुख्य रूप से तो खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। बृहस्पति कच्चे अनाज के कारक माने जाते हैं। अन्न से जब फूड पॉइजनिंग या पेट में समस्या होती है तो वह बड़ा रूप ले लेती है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही अब यहाँ पर बृहस्पति जो कि छठे भाव को देख रहे हैं, तो छठे भाव जिसको शत्रु का भाव भी माने जाते हैं, यहाँ पर आपको ऐसे लोगों से बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जो कि बटरिंग लगाने का काम करते हैं, आपको मक्खन लगाने का काम करते हैं। वे लोग भी आपके लिए ही पॉलिटिक्स भी खेल सकते हैं। आप ही के वर्ड आप ही से सुनकर किसी और को लगाना और आपकी पर्सनैलिटी पर धब्बा लगा देना, ये वे काम कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से तो विशेष रूप से बचना है। इसीलिए मैं आपको इस फलादेश का ये एक सार बताने जा रहा हूँ, ताकि आप इस समय अवधि को अपने अनुकूल, अपने हिसाब से ढाल लें और अपने समय को अच्छा और बेहतर परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करें। इसके साथ ही काम भी आपका बढ़ने लग जाएगा, काम कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस होने लग जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की एक दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर भी है। जब काम बढ़ेगा तो कार्य में तारीफ भी बढ़ेगी, जिसी के कारण से कंपटीटर्स या बुरा चाहने वाले एक्टिवेट रहेंगे, तो उनका थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब जो लोग लोन या कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए लोन लेना चाहते हैं या किसी अपने मन मुताबिक कोई लोन लेना चाहते हैं, तो उन्हें मैं बता देता हूँ कि जिसमें आपको रिस्क फैक्टर 50% से ज़्यादा लगे, ऐसे में आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आपको रिस्क फैक्टर के अनुसार धोखाधड़ी या नुकसान हो सकता है, तो विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। अब शत्रु भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट है, तो मुख्य रूप से आपको ये सलाह दी जाती है कि अपनी गोपनीयता अपने तक बनाए रखें, कोशिश करें जो ज़्यादा गोपनीय चीज़ों किसी भी व्यक्ति विशेष को न बताएं, मुख्य रूप से आपके कार्य क्षेत्र पर। यदि आप अपनी जो बढ़ोतरी है उसको प्रदर्शित करते हैं या आपको मिलने वाले लाभ के बारे में उसको प्रदर्शन करते हैं, तो विशेष रूप से आपको नुकसान होगा, वह आपका फायदा भी उठाएगा और आपको आने वाली इनकम भी रुक जाएगी,
तो आपको जो भी मिल रहा है किसको कोई मतलब नहीं है, ना ही तो उनको कोई बेनिफिट होगा ना ही कोई नुकसान होगा, परंतु यदि आप बता दें तो आपका नुकसान थोड़ा हो सकता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब क्योंकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है, जो लोग अध्ययन करना चाहते हैं किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों को अपने विषय में सफलता प्राप्त हो सकती है। वहीं जो लोग रिसर्च के फील्ड में जाकर के कार्य करना चाहते हैं, जो स्कॉलर बनना चाहते हैं, और जो जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं, जैसे कि पीएचडी होल्डर्स होते हैं, ज्योतिष के जानकार होते हैं, ओकल्ट साइंस के होते हैं, वेद अध्ययन करने वाले लोग होते हैं, अध्ययन अध्यापन वाले जो कार्य होते हैं, मुख्य रूप से अध्ययन सीखना, उन लोगों को अपने कार्य में सफलता मिलती हुई विशेष रूप से दिखाई देती है। अब जो लोग यहाँ पर अष्टम भाव पर, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है, वाहन प्रयोग थोड़ा सावधानी से आपको करना होगा, वाहन खरीद या बेच के काम में जो लोग काम करते हैं उनको भी थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। वहीं परिवर्तन, क्योंकि बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है आपके कार्यक्षेत्र पर जा रही है वक्र दृष्टि, ऐसे में नौकरी व्यापार और व्यवसाय में जो परिवर्तन का माहौल आपने बना लिया है, आप जो विचार कर रहे हैं कि मैं परिवर्तन करूं और परिवर्तन करके किसी अच्छी जॉब पे जाऊं, अभी आप जिस भी पोस्ट पर जिस भी नौकरी में हैं, तब मैं कह सकता हूं कि काफ़ी चांस दिखाई दे रहे हैं कि आपके परिवर्तन से आपको लाभ हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं। अब करियर में लो या व्यापार में लो तो परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा, थोड़ा अपनी तरफ से आपको प्रयास अवश्य करना है। फिर भी इस अवधि को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपको रोजाना शनि महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। साथ में आपको गुरु महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। इसके अलावा हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, साथ ही सूर्य महाराज को जल में रक्त चंदन रोली या गुड़ डाल करके अर्घ, उगते हुए सूर्य को अर्घ जरूर प्रदान करें। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई है उसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।